राजस्थानी भाषा को रीट परीक्षा में शामिल करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने सरकार से 12 मई तक जवाब मांगा है। न्यायालय में जस्टिस चीफ जस्टिस इंद्रजीत जी मोहंती और विनीत कुमार जी माथुर की बेंच में एक हमने जनहित याचिका पेश की, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के सचिव और समन्वयक रीट 2021 को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस याचिका में हमने ये मुद्दा उठाया कि रीट 2021 में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है तथा बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जा रही है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय की बेंच की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश और विनीत कुमार जी माथुर ने नोटिस जारी कर राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया है तथा मामले की अग्रिम सुनवाई 12 मई 2021 को रखी है। राजस्थानी भाषा 10 करोड़ जनता की भाषा है, मातृभाषा है, दुनिया की सब समृद्ध भाषा है। राज्य सरकार है, उनको पहलो फर्ज है कि मातृभाषा की मातृभाषा ने वह पद देवे। रिट शुरू तो बहुत बड़ो प्रभाव पड़ेला था, क्योंकि एक तरह बाइंडिंग उजायला वो निर्णय अगर हो गयो तो आप देख लीजिए कि 2-4 वर्षा कमाए नहीं राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता देनी पड़ेला सरकार ने।